हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम दही आलू की सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 5 बड़े आलू लिए हैं जिसको मैंने कट कर लिया है। यहाँ 2 प्याज लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 टमाटर, थोड़ा सा धनिया। यहाँ 1 कप मैंने दही लिया है, 200 ग्राम जैसा दही है ये। दही को अच्छे से फेंट लेते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको ढक के रख देंगे। यहाँ फ्राई के लिए मैंने तेल ले लिया है। आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू को यहाँ ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। इसको बीच बीच में चला लिया करेंगे ताकि सब तरफ से आलू फ्राई हो। फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम रखा है। देखिए हमारा आलू ब्राउन हो गया, इसको निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। अब यह ऑयल मैंने निकाल लिया है और इस पे 1/2 टीस्पून जीरा, मैंने साबुत जीरा डाला है। 1 तेज पत्ता को तोड़ लिया है। यहाँ प्याज डाल देंगे। प्याज को भून लेंगे। अब टमाटर डाल देंगे। यहाँ नमक डाल दिया है ताकि टमाटर और अच्छे से गल जाए। इसको ढक दिया है। जब तक टमाटर गलता है तब तक यहाँ फोक से आलू में ऐसे होल कर देंगे ताकि ग्रेवी एब्जॉर्ब करे। दही भी हमारा मैरिनेट हो चुका है। मसाले
प्याज चेक कर लेते हैं। हमारा टमाटर भी यहाँ गल गया है। मैंने गैस बंद कर दिया है फ्लेम। अब इसमें दही डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अब इसको मिला लेंगे। सब तरफ से अच्छे से मिलाएंगे। मैंने फ्लेम अभी ऑन नहीं किया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब इसको धीरे लो फ्लेम पे पकने देंगे। चलाते रहेंगे ताकि दही हमारा फटे नहीं। अब इसमें मैरिनेट वाला बोल में ही मैंने थोड़ा सा और पानी लेके इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल आ जाता है तब तक। देखिए बॉयल आ गया है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ आलू डाल देंगे। अब इसको ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि आलू ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए अच्छा से एब्जॉर्ब हो गया है। इसको मिक्स कर देंगे। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। ऑलमोस्ट हमारा आलू की सब्जी रेडी हो गया है। इसको ढक के 1 मिनट तक के लिए रखते हैं। आलू की सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनी है। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।